नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेटीएम पोस्टपेड सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि महीने के एंड में हमें अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि बचे हुए दिनों का खर्चा हम बहुत ही आसानी से निकाल सकें। इस तरीके की मदद एक दूसरे के भरोसे के ऊपर टिकी होती है, और इस तरीके की छोटी सी हेल्प कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल भी प्ले करती है। लेकिन अब आपको इन सब चीज़ों के लिए किसी से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेटीएम लेके आया है पेटीएम पोस्टपेड सर्विसेज। इसके तहत पेटीएम आपको देता है 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिजिटल लोन या फिर उधार, जिसे आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू। यानी आप कुछ भी आज खरीदिए और आप इसका पेमेंट करिए अगले महीने। पेटीएम में इस सर्विस को इनेबल करने के लिए आपके पास ICICI बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल पेटीएम ने इस सर्विस को केवल ICICI बैंक के कस्टमर्स के लिए ही रखा है। लेकिन अगर आपके पास ICICI बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेटीएम जल्द ही बाकी बैंकों से भी टाई अप करने वाला है, और उसके बाद आप इस सर्विस का बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ICICI बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है और आप इस सर्विस को इनेबल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने पेटीएम ऐप में जाना पड़ेगा। पेटीएम ऐप में जाने के बाद आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल सेक्शन में आपको एक पेटीएम पोस्टपेड करके ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस ऑप्शन पे जाके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। पेटीएम इसके लिए 5 से 7 दिन का वक्त लेगा, और आपके ICICI सेविंग बैंक अकाउंट के हिस्ट्री को चेक करने के बाद आपके पेटीएम ऐप में 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट पोस्टपेड लोन सर्विस को इनेबल कर देगा। और एक बार आपके पेटीएम एप्लीकेशन में ये सर्विस इनेबल हो जाए, तो इसके बाद आपको बस एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जैसे कि नेम, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, इस तरीके की डिटेल्स इनपुट करनी है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले अगर आप चाहें तो पेटीएम की टर्म्स एंड कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं। और बस इस तरीके से आपको अपने पेटीएम वॉलेट में मिल जाएगा 10,000 रुपये तक का उधार। इस सर्विस को लेने के लिए पेटीएम आपसे कोई ज्वाइनिंग फीस, कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस या फिर कोई हिडन चार्जेस नहीं लेता है। इसके बाद हर महीने की 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, और अगर आपने इस बिल में कोई शॉपिंग की है, तो आप उस बिल का पेमेंट अपने पेटीएम बैंक अकाउंट या फिर किसी और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पेटीएम की पोस्टपेड सर्विसेज, जहाँ पे आपको मिलता है पेटीएम की तरफ से 10,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिजिटल लोन या फिर उधार। अगर इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ ऐसी रह गई हो जो मैंने इंक्लूड ना की हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।